स्वागतम। आई एम डॉक्टर शहजाद, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है जो कि अक्सर लोग इसमें मुबतला होते हैं, वो क्या है? कोक्सीडानिया, दुमची की हड्डी में दर्द आना, टेल बोन पर दर्द आना। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, मर्द हो या खवातीन। खवातीन में ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि खवातीन कंसीव करती हैं, और जब वो कंसीव करती हैं तब उन्हें ये मसला डेवलप होता है। मर्द हजरात जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता, पट्टों का अकड़ाव होता है, या फिर वो जिनकी कोई ट्रोमा आया होता है, सीढ़ियों से गिरने का कोई पास हिस्ट्री में एक्सीडेंट होता है किसी भी किस्म का, उनका ये प्रॉब्लम आता है टेल बोन पे दर्द आना। इसमें क्या होता है थोड़ा मैं इस वीडियो को बताना चाहूँगी, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आप घर पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी एहतियात कर सकते हैं जिससे इसमें बेहतरी आ सकती है, मैं इस वीडियो में बताऊँगी। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा जी, आप लोगों ने जैसे देखा है कि ये हमारी स्पाइन है, हमारे मुँहे हैं, मुँहों की हड्डियाँ हैं, जो कि लास्ट पे इतना सा हिस्सा आपका टेल बोन यानी कि दुमची की हड्डी का है, इतना सा हिस्सा। अब अक्सर ऐसा होता है कि ख़्वातीन क्योंकि जो कंसीव करती हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, उन्हें क्या होता है कि ये दुमची की जो इतनी सी हड्डी है ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से मूव हो जाती है, हिल जाती है, यानी कि ये पोजीशन अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर चली जाएगी, जिसकी वजह से इसके अराउंड जितने आपके मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सारे जख्मी हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं और खिंचाव आता है, जो कि आपके दर्द का बायस बनता है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि उठने बैठने से मुतासर होते हैं, ठीक से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और इसमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी दवाइयाँ भी आप लोग खा चुके होते हैं लेकिन रिकवरी नहीं आती, रिलीफ नहीं मिलता, या मिलता भी है तो फिर वक्त का मिलता है। कुछ लोग इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं और इंजेक्शन से भी उनको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को अपनी जड़ से फिक्स नहीं करते, आप सिम्टम्स को रिजॉल्व करते हैं, पेन को सबसाइड करते हैं लेकिन मसले को ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से आपको परमानेंट रिकवरी नहीं आती, और फिर कुछ अरसे के बाद आपको फिर से दर्द आ जाता है जो कि ज़्यादा पेनफुल होता है, पहले की नस्बत जो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको सबसे पहले कि इसकी मल्टीपल कॉजेज है, सबसे पहले आपको डायग्नोज करना चाहिए किस वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करें एक्सरे करवा लें अपनी टेल बोन का, अगर तो करवा सकते हैं, और उसको किसी भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट कायरोप्रैक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, अगर तो ईजी है आपके लिए। अगर तो नहीं कर सकते तो एक्सरे करवाएं, देखें आपकी किस पोजीशन में कोक्सीडानिया आ रहा है, कितना सेवरिटी में आ रहा है, मतलब अगर हड्डी हिली है तो कितने लेवल तक हिली है, और यहाँ कितने लेवल तक हिली है, और आप इसको किस तरह जो है ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि आपने एक कुशन रखना है सख्त जगह पे, तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। ऐसे हजरात हैं जिन्हें कोक्सीडानिया पॉजिटिव होता है, कोक्सीडानिया का मसला होता है, सख्त जगह पे नहीं बैठना। डोनट टाइप कुशन होता है, जिस कुशन पे आपने बैठना है, उस कुशन पे बैठने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी उस कुशन पे बैठेंगे तो ये जो आपकी हड्डी है वो प्रेशर में नहीं आएगी, वो कंप्रेशन में नहीं आएगी, मतलब उस पे दबाव नहीं आएगा, क्योंकि उस पे जब दबाव आता है तो फिर आपको ज़्यादा तकलीफ आती है, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होती है। जैसे कि ऐसा एक कुशन होगा, अभी मैंने पेपर से जैसे एक स्ट्रक्चर सा बनाया, और जब आप उसमें बैठेंगे तो हड्डी आपकी जो है प्रेशर में नहीं आएगी, और इस तरह से आपको आपकी हड्डी जो है नीचे से निकल आएगी, यानी कि उसमें कोई दबाव नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। अगर वैसे बैठते हैं तो ये दबती है हड्डी, और जिसमें जख्म चल रहा है अराउंड मसल्स में, तो वो ज़्यादा आपके लिए तकलीफदेह होता है। कोशिश करें डोनट टाइप कुशन होना चाहिए, जिसमें एक जैसे गोल टायर होता है उस तरह से कोई कुशन होना चाहिए, लेकिन सख्त ना हो, सॉफ्ट हो, उस पर आपने बैठना है, बस इस हड्डी पर प्रेशर ना आए। इसके अलावा स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप आइसिंग करें, अगर तो उससे रिलीफ मिलता है, और अगर तो रिलीफ नहीं मिलता, और कुछ स्ट्रेचेस हैं, कुछ स्ट्रेचेस करने हैं, फिर ना लगने से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो फिर वो आपने कुछ दो तीन स्टेप्स घर पे करने हैं। अगर तो इससे आराम आ जाता है तो बेहतर है, वरना आपको
कोशिश करें कि फिजियोथेरापिस्ट या कायरोप्रैक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कायरोप्रैक्टर इस आपकी हड्डी को एडजस्ट करते हैं, अपनी जगह पे पहुंचाते हैं विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, अपनी टूल्स के ज़रिए, अपनी टेक्निक्स के ज़रिए उसको उसकी ओरिजिनल पॉइंट पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें जो ज़ख्म है वो भी हील हो जाता है और फिर आपका दर्द भी इस तरह से सबसाइड होता है और हड्डी भी यानी कि मेन पॉइंट भी अपनी जगह पे मूव हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं ये अगर तो प्रॉब्लम है आपको, आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाएं, देखें अगर तो यही प्रॉब्लम है फिर ये दो तीन स्टेप्स करके देखें, अगर तो रिलीफ मिलता है बेहतर, और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ज़रूर अपने फिजियोथेरापिस्ट और कायरोप्रैक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। शुक्रिया।